अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्की उर्दू के साथ मैं हूँ अहमद हाकन। आज हम लाहौर में पाक तुर्क मारिफ स्कूल में है। अभी पाक तुर्क मारिफ स्कूल में यूनिवर्सिटी के फेयर हो रहा है। यूनिवर्सिटी के फेयर में ये होता है, पाक तुर्क मारिफ के स्कूल के बच्चे और बाहर से भी बच्चा आता है, यहाँ यूनिवर्सिटी के करियर गाइड करने के लिए आता है और सारे यूनिवर्सिटी के देखने के लिए चांस भी है। आज मैं आपका विजिट करवा दूँ। ये जो हमारा पूरा एजुकेशन फेयर है, ये हम सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमारे पास सारी की सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमें क्या क्या एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमें चीज़ें ज़रूरत हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। हमारा यूनिवर्सिटी फेयर लगा हुआ है, जो कि हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि देर बहुत सारी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। हमें बहुत हेल्पफुल है कि वो बता रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है, कि आपने एडमिशन किस बेस पर लेना है, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया, सब कुछ बताया है। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर बच्चों को करियर काउंसलिंग की जो है वो ज़रूरत होती है। मैं इधर आई हूँ पाक तुर्क बॉयज़ कैंपस में। यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं, वहाँ पर मैं ऑब्जर्व करने आई हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसे इकदाम में चाहती हूँ होने चाहिए हर स्कूल में, ताकि वो एक ही जगह में रह के डिफरेंट यूनिवर्सिटी को जान सकें। जैसे बेसिकली जो यूनिवर्सिटी फेयर है, ये स्टूडेंट्स के लिए इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने जाना ही यूनिवर्सिटी में है। तो अगर हम लोग यही काम पहले उनको दे देते हैं, तो हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन उनको बिफोर द टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनको ये पता चल जाए कि अच्छा, किसी भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी डेडलाइंस क्या होती हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग उन्हें कैसे पूरे करने हैं, कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है और वो किस डेट के ऊपर आ रहा है। तो ये वो सारी सहूलियात हैं जो कि हम लोग कैंपस के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करें। स्टूडेंट्स काफ़ी कीन भी हैं एंड दे वांट टू, सम ऑफ देम दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड आल्सो, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं और वर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है दिन ब दिन, खासतौर पर AI के इंट्रोडक्शन से काफ़ी सारी जॉब्स सुनने में आ रहा है, एट स्टेक हैं। और फिर स्टूडेंट्स के कुछ फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं स्कॉलरशिप्स को लेके, वो सारी चीज़ें, तो वो तमाम क्वेश्चंस उनके उनको हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मैंने आपका विजिट करवा दिए, आपने देखा, और कुछ यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन भी आ गई है और बच्चों से भी स्टूडेंट से भी इंटरव्यू किया है, और आपने भी देखा बच्चों में बहुत खुश था। अभी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।